एक्चुअली खतरों से खतरों के खिलाड़ी तो दिखते हैं इसमें, पर यू नो वही होता है जब आई वुड से कि आपको अपने में बिलीफ रखना चाहिए. अब आप वही है कि अब आज रणबीर कपूर बहुत बड़ा स्टार है, तो अब वो बचपन में अगर भुट्टा खाता था तो वो भी ग्लैमरस हो जाता है ना. और जिस बेचारे की पिक्चर फ्लॉप हो गई है वो अगर भुट्टा खाता तो फिर हम क्या करें फिर. तो बिकॉज पीपल आर अट्रैक्टेड टू सक्सेस, एंड इससे एक दो चीजें हैं कि एक तो आपको अपने आप में बिलीव रखना है. जब जब सक्सेस होगा तब तो लोग आपके साथ होंगे ही, पर कुछ सिर्फ कुछ लोग होंगे जो आपके सक्सेस जब आपके पास नहीं था, जैसे कि मेरे रिलेटिव्स हैं या कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो जो आपके साथ तब भी रहेंगे. तो जैसे कि इन्होंने बताया कि वो डीपीएस आरकेपुरम में सब लोग जाते हैं, उसे आईआईटी फैक्ट्री बोला जाता है दिल्ली में, कि भाई वहां सारे बच्चे चाहे टेंथ के बाद अगर चले जाएं तो वहां से आईआईटी का चांस बढ़ता है. लेकिन मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे आर्मी पब्लिक स्कूल में, मैं नर्सरी से उस स्कूल में था, तो मैंने दोस्तों को कैसे छोड़ दूं. मैंने कहा कि अब आईआईटी तो जाना है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं दोस्तों को छोड़ दूं और चला जाऊं. ये हमेशा से मेरे में रहा है कि वो ही लोग जो मेरे वो, क्योंकि वो तो मेरे साथ थे ना, वो तो मेरे से दोस्ती रख रहे थे, उनको थोड़ा पता था कि मैं क्या. तो वो मेरे को हमेशा से है कि पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं. तो आईआईटी में भी नए दोस्त बने होंगे, आईआईटी में 4 साल कैसे बने हैं और काफी मशहूर हो गए हैं वो. और लाइक आई सेड, आईआईटी में भी एजुकेशन से ज्यादा मैंने हॉस्टल पर ध्यान दिया. आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट इन एन आईआईटी, सो या बाहर वालों के लिए तो चलो ये आईआईटी में है, अंदर की कहानी उन्हें नहीं पता थी कि अंदर तो बुरा ही हाल हो रहा है, हाथ पांव मारे जा रहे हैं. चलिए अंदर की कहानी सुना देते हैं लोगों को. एक स्कूटर था जिसका नाम तुमने हेलीकॉप्टर रखा हुआ था, और उस स्कूटर को एक दिन हमने सुबह 6 बजे चलाया, हर एक के दरवाजे पे गए और उसके दरवाजे पे लातें मारी और स्कूटर का हॉर्न बजाया, उनको सुबह 6 बजे जगाया. बाकी तो ये मेरे ख्याल से काफी हॉस्टल में लोग करते होंगे, हमारे साथ सिर्फ फर्क ये था कि वो स्कूटर कुमाऊं हॉस्टल के 5वें फ्लोर पे चढ़ रहा था और उसको वहां बड़ी मुश्किल से चढ़ाया गया था, सारी सीढ़ियों के ऊपर, क्योंकि तुमने उसका नाम हेलीकॉप्टर रखा था तो सारी सीढ़ियों के ऊपर उसको हेलीकॉप्टर की तरह ही चढ़ाया जाता था. याद है तुम मेरे ख्याल से एक ही इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे पूरे जिंदगी में, और वो नेचर सेकी का इलेक्शन था, नेचर सेकी भी नहीं, नेचर रैप का इलेक्शन था हॉस्टल के लिए. कौन खड़ा होता है उसके लिए? तुम खड़े हुए थे, पुनीत अग्रवाल खड़ा हुआ था, और तुम्हें अपने आप पे इतना भरोसा था कि यू आर दिस चार्मिंग करिश्मेटिक गाय दैट यू एक्चुअली फेल्ट बैड बिकॉज पुनीत वुड लूज सो बैडली एंड यू एक्चुअली वोटेड फॉर हिम. एंड डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड?